नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा का सफ़र कैसा होता है, कितनी रफ्तार होती है उस समय आपकी आत्मा की और उस समय की, दोस्तों आज हम यह जानेंगे। आपको पता है कि जीवन का अंतिम समय मृत्यु है और इसे कोई भी नहीं टाल सकता, यह बिल्कुल सत्य है। और हमें पता है कि एक ना एक दिन सभी को यह शरीर त्याग कर जाना जरूर है। एक आत्मा ही है जो अमर है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, जो एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि जब हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकलती है हमारी मृत्यु होने के बाद, तो वह यमलोक की ओर चली जाती है। यमलोक नगरी तक कैसे पहुंचती है और कैसा होता है यह सफ़र, आइए आज हम आपके साथ मृत्यु के बाद आत्मा का सफ़र से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी व कुछ बातें आपसे साझा करेंगे। दोस्तों, आपको यह भी पता है कि हमारे जीवन में जितने भी हम पुण्य कर्म करते हैं उनका भी फल हमें प्राप्त होगा और जो हम बुरे कर्म करते हैं उनका भी दंड हमें अवश्य मिलता है, वह चाहे इस जन्म में हम भोग लें, चाहे हमारी आत्मा के साथ वह भोगा जाए, चाहे हम उसे अगले जन्म में भोगें, लेकिन उसका फल और दंड हमें अवश्य मिलता है। और उसी दंड को जो हमारे बुरे कर्मों से हमें प्राप्त होता है, उसी दंड को कम करने के लिए हम अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं ताकि हमारे बुरे कर्मों का जो दंड है वह कम हो सके। दोस्तों, आत्मा का सफ़र पूरे एक साल ऐसे चलता है। वह जान लीजिए कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में एक दिन में 200 यानी 1600 किलोमीटर चलती है। और दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ कि एक योजन में 8 किलोमीटर होता है। तो इस तरह एक वर्ष से आत्मा यमराज के नगर में पहुँचती है, क्योंकि दोस्तों इसके बीच में एक नदी पड़ती है जिसका नाम है वैतरणी नदी, जिसको पार करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। अनेकों प्रकार की उसमें दुविधा आती है और हमारी आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों, यम मार्ग में 16 नगर हैं यानी पुरिया, ये सभी नगर बड़े ही भयानक हैं। इस मार्ग में बहुत कम समय के लिए व्यक्ति की आत्मा को महीने में एक बार ठहरने का अवसर दिया जाता है। और दोस्तों, जहाँ पर ये आत्मा रुकती है यहाँ पर आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों और परिवार के लोगों को याद करके दुखी होती है कि मैंने कौन से पिछले कर्म किए थे, मैंने किस प्रकार का पाप पुण्य किया था, वह सभी उस यमलोक नगरी में बैठकर याद आता है जहाँ आत्मा को केवल एक दिन रुकने का समय दिया जाता है। उसके बाद यमदूतों की यातना से दुखी होकर आगे कैसा शरीर मिलेगा यह सोचकर भी मनुष्य घबराने लग जाता है। अपने कर्मों के अनुसार, अपने दंड के अनुसार उसकी आत्मा है जो वह थर थर काँपने लग जाती है और सोच सोच कर यही घबराने लग जाती है कि मुझे कैसा शरीर आगे प्राप्त होगा, मुझे क्या योगन मिलेगी और क्या दंड मुझे भोगना पड़ेगा। दोस्तों, उसके बाद आते हैं यम मार्ग में भयानक नरक, जिसको नरक बोला जाता है। यमराज में वैसे तो इस मार्ग पर कई नरक हैं, लेकिन जिनमें से कुछ का नाम है अधंतम और तामरमय। अधंतम कीचड़ और जोंक से भरा है, जबकि तातरमय तपे हुए तांबे जैसा गर्म है। अगर कोई इस मार्ग से जाता है तो उसे नरक बोला जाता है, मतलब कि पाप कर्मों को करने वाले की आत्मा इस मार्ग पर जाते ही दुखी हो जाने लगती है। जब आप इन सभी चीज़ों से बाहर निकल जाते हो तो आगे आता है यमलोक के द्वारपाल, जहाँ पर पहुँचते ही आत्मा को थोड़ा चैन मिलता है। उसके बाद यमराज के भवन पर धर्मध्वज नाम का द्वारपाल पहरा देता है। यही चित्रगुप्त को पापी लोगों की आत्माओं के यमलोक में आने की सूचना देता है। यमलोक के द्वार पर दो भयानक
राक्षसों का पहरा भी रहता है, जो पापियों को देखकर लाल आंख किए उनको झपट लेने की सोचते हैं। उसके बाद जब आप इस द्वार के अंदर चले जाते हो उन राक्षसों से बचकर, तो यमराज के सेनापति करते हैं कर्मों का हिसाब। यमराज के द्वार में ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण और उनकी पत्नी श्रवणी निवास करते हैं। श्रवण पुरुषों के सभी कर्मों का लेखा रखते हैं। ये पुरुषों की सभी बातों को दूर से ही सुनकर उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। इनके कहने के अनुसार ही यमराज पुरुषों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। और इसी प्रकार से श्रवण की जो पत्नी है वह स्त्रियों के पाप पुण्य को यमराज से बताती हैं। वह इनकी बातों सुनकर ही यमराज महिलाओं को उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। सूर्य और चंद्र, जल, आकाश, मन, दिन और रात और धर्म मनुष्य के कर्मों को जानते हैं। और आप लोग इसीलिए यह मत सोचा करो कि मुझे कौन देख रहा है। यमराज व्यक्ति के कर्मों का हिसाब किताब करते समय इन्हें भी गवाही के लिए बुलाते हैं, क्योंकि इन्हीं का पहरा रहता है। सूर्य का पहरा दिन में और चंद्र का रात्रि में, ऐसे ही जल, आकाश, मन, दिन और रात और धर्म मनुष्य, इन सभी का पहरा एक इंसान के, एक मनुष्य के और एक आत्मा के ऊपर पहरा रहता है कि कौन सा मनुष्य, कौन सी आत्मा क्या कर्म कर रही है, इन्हें सब पता रहता है। इसीलिए यमराज इनकी गवाही के लिए भी इनको बुलाते हैं कि कहीं किसी को गलत दंड न दे दिया जाए। इसके बाद मिलता है नया शरीर। कई ऋषि और यज्ञ, मतलब कि जो यज्ञ करते हैं, के फल से उत्तम लोक में गए राजा गण भी यमराज के दरबार में सलाहकार होते हैं। सभी से विचार और सलाह लेने के बाद यमराज व्यक्ति को दंड और उसके अगले शरीर के बारे में विचार करते हैं। अपने कर्मों का फल भोगकर प्राणी को फिर से बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए नया शरीर प्राप्त हो जाता है। और जितने भी दंड और जितने भी फल आपके रह जाते हैं वह आपको अगले जीवन में प्रदान होते हैं, जो आपको इस जन्म में या आने वाले समय में भुगतने ही पड़ते हैं। तो इसलिए अपने कर्मों को देखकर घबराया मत किया करो। जो आप कर्म पहले करके आए हो वह अब भुगतना पड़ेगा, लेकिन अब इस कर्म में अच्छे कर्म करिए ताकि आने वाले समय में आपको भुगतना न पड़े और आपका अच्छा जीवन व्यतीत हो जाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।